बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। मौजूदा वक्त में बात कोरोना की हो रही है और कोरोना के नए नए वेरिएंट हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें डेल्टा प्लस एक वेरिएंट है जो सामने आया है। उसके बाद चिंताएं बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो रहा है। एक और चीज़ है जिस पर कन्फ्यूजन की स्थिति बनती जा रही है, वो कन्फ्यूजन ये है कि कोरोना को हल्के में लेना नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन तीसरी लहर को लेकर कुछ विशेषज्ञ, कुछ वैज्ञानिक अपने पे तर्क दे रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने डेट और मंथ भी तय कर दिया कि कब तीसरी लहर कोरोना की आएगी। उन सबसे इतर अभी तक कोई रिसर्च क्या कोई ऐसी हुई है? और तीसरा एक और मसला है, वो है बच्चों को लेकर कितने सावधान हम रहें, क्योंकि तीसरी लहर का जिक्र जब भी होता है बच्चे टारगेट करेगा कोरोना, ये कहा जाता है। आज इसी मसले पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे उनका परिचय आपसे करा दें। डॉक्टर एम सी मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, आप पूर्व निदेशक एम्स हैं। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। सर आज की स्थिति पूरी कोरोना वाली है, हम सब जानते हैं, सब इसीलिए हम दूर दूर बैठे हुए हैं, आज वर्चुअली तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, सवाल के जवाब खोज रहे हैं। लेकिन जो कन्फ्यूजन की मैं बात कर रहा था, वो कन्फ्यूजन तीसरी वेव को लेकर है, थर्ड वेव को लेकर है। क्या लगता है आपको, कौन सी वो रिसर्च हो रही है जो ये बता रही है कि ये तीसरी लहर बहुत नज़दीक है, ये आ रही है, और जो ये कोरोना के अलग अलग रंग रूप दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या तीसरी लहर मान लिया जाए आपके जरिए सर? नहीं देखिए पंकज, जो हमको एज ए पब्लिक, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, ये समझने की बहुत आवश्यकता है और बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि अगर आप पैंडमिक का ट्रेजेक्ट्री देखें, जो ग्राफ रहा है जनवरी 2020 से भारत के परिवेश में, तो आप देखिए कि हम लोगों का जो संक्रमण की दर रही है वो यूरोप से 2 से 3 महीने पीछे चले हैं हम। अब देखिए फरवरी मार्च में पिछले वर्ष इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, यूके में कितना तांडव चल रहा था कोविड का, और भारत में कोई 150 केस थे उस समय मार्च में या अप्रैल में। मई के बाद बढ़ना शुरू हुए, हम लोग कहते थे छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छा कर रहा है, छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत अच्छी है, केरला ने बहुत अच्छा किया है, मॉडल स्टेट मानते थे उनको मई 2020 में। और फिर उसके बाद सबको पता है क्या हुआ, जून से लेके सितंबर तक बढ़ता रहा और 98,000 पे जाके पीक हुआ, और उसके बाद आना कम आना शुरू हुआ, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जबकि हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि दिवाली के बाद बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ा, और क्रिसमस के बाद भी जितना हम लोग उम्मीद कर रहे थे उतना नहीं बढ़ा, नई साल में भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, और उस समय थोड़े रेस्ट्रिक्शंस भी थे। तो अब अगर आप आज की अवस्था देखें तो सिडनी जैसी जगह में लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है या लग गया है वहां पे जी, और देशों ने भी लॉकडाउन लगाने की बात कही है, तो उससे हम अलग नहीं हो सकते। अगर ये हम मान के चलते कि भारत में ये जो दूसरी लहर आई ये नहीं आती तो आश्चर्य की बात होती, आना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तो हम लोगों को जो समझना है, अगर तीसरी लहर को उतनी बुरी हालत, आज यूके में देखिए करीब 60% वैक्सीनेशन हो गया है टीकाकरण, और उसके बाद 22,000 24 घंटे में नए संक्रमण के केसेस आए हैं वहां पे। भारत में जो 37,000-38,000 करीब हो गए थे पिछले 24 घंटे में, आज सुबह तक 45,000 करीब आए हैं, 8,000 केसेस की बढ़ोतरी हुई है। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये बढ़ोतरी ये टेम्परेरी है ये, या ये आगे परसिस्ट होगी, या ये जो बढ़ने का दर है ये चलती रहेगी, और फिर हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम तीसरी लहर कहते हैं तो एक तिहाई 30% करीब बढ़ोतरी होनी चाहिए। पीक जितना था हमारा 4.25 लाख का अगर पीक था, या 4.5 का मान लीजिए आप अप्रैल मई में, तो 1.5 लाख केसेस जब हो जाए, उससे 30% हो जाए और शुरू हो जाए संक्रमण होना, तो हम पीक मानेंगे। 8,000 हो सकता है ये टेस्टिंग ज्यादा हो गई हो पिछले 24 घंटे में, लेकिन ये एक चिंता का विषय अवश्य है, ये 8,000 बढ़ना भी एक चिंता का विषय है।
हमको क्या करना है एज ए नागरिक, देश के नागरिक के तौर पे हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूर्ण रूप से पालन करना है। अगर आप देखें मन, ये अभी मेरे को आज किसी ने फोटोग्राफ दिखाया एक मनाली की ऑल रोड का, और वहां पर भीड़ का आलम आप अंदाज ही लगा सकते हैं क्या भीड़ का आलम था वहां पे, या शिमला में, या नैनीताल में, या महाबलेश्वर में, या और जगहों पे। फिर अभी ट्रैफिक नॉर्मल हो गया है दिल्ली का, और सभी जगह भी, दिल्ली के अलावा बाकी सभी जगह भी। तो अगर लोगों का व्यवहार इस तरह से लापरवाह हो जाएगा, और किसी को भी लापरवाह इसका नहीं अंदाज है कि क्या हो सकता है, और हम अभी इतनी जल्दी भूल गए लोग, इतनी मेमोरी शॉर्ट है लोगों की, तो फिर क्या कहा जा सकता है। गवर्नमेंट आपको आगाह कर रही है, भारत सरकार कर रही है, राज्य सरकारें भी कर रही हैं, और जो कर सकते हैं कर रहे हैं। अभी हमने कोविड केयर हॉस्पिटल्स को डी नोटिफाई नहीं किया है, इसीलिए पता नहीं है कब फिर से आवश्यकता पड़ जाएगी। लेकिन क्या हम अप्रैल और मई की स्थिति में जाना चाहते हैं? ऐसा लग रहा है लोग जाना चाहते हैं। तो लोगों को इसमें समझना पड़ेगा। टीकाकरण चल रहा है, उसकी बजाय लोग मनाली में जाके भीड़ कर रहे हैं, रिसोर्ट्स फुल हैं, जगह नहीं मिल रही है। रेस्टोरों में आप चले जाइए 50% ऑक्यूपेंसी की बात होती है, लेकिन जाइए तो फुल है सब। कौन चेक कर रहा है? ये देखिए एनफोर्स नहीं हो सकती चीजें। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा, हर नागरिक को अपना जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। दूसरे अनावश्यक आप न जाएं, जब आवश्यक है तो जाएं, मास्क लगा के जाएं। हम आजकल दो मास्क की बात करते हैं, एक की भी नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात, कब आएगी तीसरी लहर? तो कुछ लोगों का मानना था दिसंबर जनवरी, लेकिन अगर यही अवस्था रही तो जल्दी आ जाएगी। जैसे आई थिंक एम्स के निदेशक ने ये बात कही भी है कि अगर इस तरह से लोग कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार को तिलांजलि देते हैं तो ये सूनर देन लेटर वाली बात होगी, और वो जुलाई में भी आ सकती है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या का घनत्व तो है, और दूरी कई बार भीड़, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहाँ दूरी होगी आपके, मेट्रो में या बस में, या आप आजादपुर मंडी में चले जाइए, किसी भी शॉपिंग एरिया में चले जाइए, कहाँ दूरी का कोई प्रश्न है। तो इसलिए अब ये लोगों को टीकाकरण में आगे से आगे आके करें, जो वैक्सीन मिलती है वो वैक्सीन लगवाएं, और साथ में कोविड अनुकूल व्यवहार, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे तो बच सकते हैं, शायद उतनी भयावह न हो तीसरी लहर। लेकिन अगर लोग नहीं मानेंगे तो बिल्कुल ये हम लोग भयावह होगी, और ज्यादा हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त हमने क्या देखा दूसरी लहर के दौरान, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को फेस किया है वो सब जानते हैं, उसके बावजूद भी अगर ढिलाई और लापरवाही इस तरीके से देखी जाती है तो इसके लिए कोई और नहीं बल्कि हम और जनता सब जिम्मेदार है, क्योंकि वो अपने आप को अपनी सेहत को ध्यान में नहीं रख रही है। दूसरा सवाल सर मेरा, जो अलग अलग रूप बदले जा रहे हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सब तरह से कोरोना को समझाने की कोशिश हो रही है कि अब डेल्टा प्लस वाला वेरिएंट लोगों तक पहुंच रहा है, इसको कैसे समझा जाए? क्योंकि एक तरफ वैक्सीनेशन, दूसरी तरफ कुछ केसेस इस वेरिएंट के भी आ रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं क्या वैक्सीन लगने के बाद भी ये इफेक्ट कर रहा है? ये देखो पंकज जी, ये बात ये है सारी, ये एकेडमिक और रिसर्च के लिए है वेरिएंट की, जहां तक बात है जी। हम लोग एज ए नागरिक, हमारा एक ही व्यवहार होना चाहिए, चाहे वेरिएंट कोई भी हो, चाहे डेल्टा वेरिएंट है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, लैम्डा है, कुछ भी है, हमारा व्यवहार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो नहीं बदल रहा उससे। ये बात जरूर है जो आपने प्रश्न पूछा, अगर वेरिएंट है, और देखिए जो ये दूसरी लहर का तांडव हुआ ये वाकई में वेरिएंट की वजह से हुआ, जो पहले ओरिजिनल कोरोना वायरस से कहीं अधिक संक्रमण कर रहा था, 10 से 15 गुना। आपने देखा किसी परिवार में 22 लोग हैं, सबको संक्रमण हुआ, 10 है 10 को हुआ, 5 है 5 को हुआ, और घर के घर, और उनमें से किसी एक को गंभीर हुआ और नहीं बच पाए, ये खुद देखा गया है। आज बात करिए, कोई ना कोई कहेगा देखिए मेरे, हम खुद हैं, बिस्तर की कितनी कमी थी, आईसीयू में बिस्तर की कमी थी, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो ये देखिए इतना, और मैं फिर यही बात दोहराऊंगा, हम जितनी मर्जी तैयारी कर लें जी,
साधन कभी भी असीमित नहीं हो सकते, चाहे जितनी मर्जी हम कह ले कि हमने इतनी तैयारी कर ली, उतनी तैयारी कर ली, कोई भी कह दे, सरकार कह दे या अस्पताल कह दे या कोई, ये समझना बहुत आवश्यक है कि साधन किसी भी देश में न पूरे पड़े हैं कोविड के पैंडेमिक के दौरान, न पड़ेंगे। अगर वही स्थिति बनी जो अप्रैल मई में थी, फिर वही होगा, फिर बिस्तर नहीं मिलेगा, फिर ऑक्सीजन बेड नहीं मिलेगा, फिर आईसीयू बेड नहीं मिलेगा, फिर दवाइयों की कमी होगी। ये क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं कि ये इसका बहुत सरल उपाय है इससे बचने का, कि आप केवल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसमें भी जो मुख्य हम लोगों की बात है कि मास्क, जब भी आप किसी से बात करें बिना मास्क के बात ना करें, जिसको जिसका बारे में आपको पता नहीं है, केवल घर में आके आप बात करें मास्क उतार के अपने घर वालों से, पता है आपको कि ये लोग कहीं जा नहीं रहे, आ नहीं रहे। तो ये जो इतना सरल उपाय है, इतना सस्ता उपाय है, उसको न मान के, और फिर अगर आपको आवश्यक अनावश्यक, अब आप घूमने यही आपको ये क्या एक गर्मी आप नहीं छोड़ सकते या दो गर्मियां नहीं छोड़ सकते, तो ये मैं मतलब मुझे बड़ी कई बार इतनी कोफ्त होती है कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, जान हथेली पे लेके निकल रहे हैं, दूसरों की जान की भी परवाह नहीं है, आपको नुकसान होगा तो आपसे दूसरों को भी तो नुकसान होगा। तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा वेरिएंट कोई भी हो, लेकिन हाँ जो बात आपने पूछी कि क्या वैक्सीन को ये वेरिएंट स्किप करेंगे, तो देखिए जो आज एक अच्छी खबर आई है कि हमारी कोवैक्सीन को जो NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा एक इसमें उन्होंने रिसर्च किया, अनुसंधान किया है, जिसमें ये बताया है कि कोवैक्सीन हमारी अल्फा वेरिएंट के अगेंस्ट भी प्रभावी है और डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट भी प्रभावी है। उसमें अभी तक डेल्टा प्लस वेरिएंट पे उन्होंने नहीं कहा है, बट माना ये जा रहा है कि 30-40% तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के अगेंस्ट भी प्रभावी होगी ये वैक्सीन। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं चाहे कोवैक्सीन मिल रही है, चाहे कोविशील्ड मिल रही है, ये वैक्सीन प्रभावी हैं वेरिएंट्स के अगेंस्ट, और दोनों अगर डोज लग गए, एक डोज लग गई उससे भी आपको 30-40% तक बचाव हो जाएगा, अगर दोनों लग गए तो वो बचाव आपका 70% तक हो जाता है संक्रमण होने का। लेकिन कुछ लोगों को अवश्य लगने के वैक्सीन लगने के बाद भी संक्रमण होगा, लेकिन वो संभवतः गंभीर नहीं होगा ये माना जा सकता है, और संभवतः हमारी मृत्यु बच सकती है। तो ये समझना सभी को एक और महत्वपूर्ण सवाल है, एक और सवाल जो आमतौर पर देखा जाता है, खबरों में आता है, आम लोग जानना चाहते हैं, जो वैक्सीन का वक्त है, जैसे पहली डोज कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आने के कितने दिन बाद, लोग अभी भी इसमें कंफ्यूज है, कितने, कोई बोलता है 45 दिन, कोई बोलता है 1 महीना, कोई बोलता है 2 महीना, कितने दिन बाद लगनी चाहिए, कोई कहता है कोविशील्ड लग रही है तो उसके लिए ज्यादा वक्त चाहिए, अगर आपको दूसरी वैक्सीन लग रही है तो कम वक्त में आप लगा सकते हैं, थोड़ा इस चीज को आप समझा पाएंगे थोड़ा दर्शकों के लिए जो लोग कंफ्यूज हैं। जी पंकज जी, आपका प्रश्न है ये उन दो, इसके मैं दो हिस्सों में इसको इसका उत्तर दूंगा। एक हिस्सा तो इसका ये आपने पूछा कि अंतर दोनों के डोज के बीच में अंतर, तो जब 16 जनवरी को हमारा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था उस समय दोनों टीकों के लिए 28 दिन का गैप निर्धारित किया गया था। फरवरी में WHO ने कोविशील्ड के गैप को बढ़ा के 12 हफ्ते तक कर दिया था, 8 से 12 हफ्ते। भारत सरकार की जो समिति है वैक्सीनेशन पे, जिसके डॉक्टर एन के अरोरा जिसको चेयर करते हैं, उन लोगों ने फिर कहा कि इसको हम थोड़ा बढ़ा के 8 हफ्ते कर सकते हैं कोविशील्ड को। कोवैक्सीन का जो गैप है वो 28 दिन ही है, और उसका आधार ये था कि जो ये फेज 3 ट्रायल का डेटा था कोविशील्ड का, उसमें WHO ने ये देखा, जब डेटा को उसको एनालिसिस हुई उस डेटा को लेके, कि जिनको गैप बढ़ाया गया उनमें कोई विपरीत परिणाम नहीं मिला, और बल्कि वो ज्यादा प्रभावी प्रतिरोधक क्षमता उसने दी। ये इसका आंकड़ा काफी हो गया, ये जब ट्रायल हो रहा था उस समय बहुत सारे वॉलंटियर्स थे जो 4 हफ्ते पे आके उन्होंने टीका नहीं लगवाया, बल्कि कोई 8 हफ्ते पे आया, कोई 6 हफ्ते पे आया, कोई 10 पे आया, कोई 12 पे आया। तो पहले तो शुरू में ये लग रहा था कि
इसलिए शायद किया गया है कि टीकों की कमी है, लेकिन बाद में ये डेटा भी सामने आ गया तो ये बात आई कि अगर गैप ज्यादा है तो प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा मजबूत बन रही है, इसलिए गैप बढ़ाया गया। अब भारत में वो गैप 84 दिन करीब किया गया कोविशील्ड के लिए, और उसके लिए 28 से 42 दिन किया गया कोवैक्सीन के लिए। अब हमारे एक और भी परिस्थिति है जिसमें हमारी जो जनसंख्या है वो अत्यधिक है, तो इसलिए ये भी बात सामने आई कि हम ऐसा करें कि यदि एक डोज से हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिल रहा है तो ज्यादा लोगों को एक डोज के साथ कवर किया जाए, और साथ बढ़ा के जिससे कम से कम एक एक डोज ज्यादा लोगों को मिल जाए तो 30 से 40% तक उनका प्रोटेक्शन हो सकता है, और जैसे जैसे नंबर आता जाएगा वो दूसरी डोज लगवाते जाएंगे। जहां तक दूसरा हिस्सा आपका था कि संक्रमण जिनको हो गया और उससे उनको ठीक हो गए वो लोग, वो टीका लगवाएं कि नहीं लगवाएं, नंबर एक प्रश्न। दूसरा, लगवाएं तो कितने दिन बाद ठीक होने के लगवाएं। इसका उत्तर ये है कि जिनको संक्रमण हो गया उनको अर्जेंसी नहीं है टीका लगाने की, क्योंकि उनको जो काम टीके ने करना था वो संक्रमण ने कर दिया है। प्रतिरोधक क्षमता ये रहेगी 6 से 8 महीने, साल भर तक भी रह सकती है, और अब तो अनुसंधान ऐसे आ रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये काफी समय तक, लंबे समय तक भी प्रतिरोधक क्षमता रह सकती है। उन लोगों के लिए जो गाइडलाइन बनी है उसमें ये कहा है कि 3 महीने के बाद वो टीका लगवा सकते हैं कभी भी। पहले ये था कि 2 हफ्ते की रिकवरी के बाद आप लगवा सकते हैं। ऐसा भी हुआ है कुछ लोगों को, जैसे पहली डोज लगी उसके बाद संक्रमण हो गया, फिर उनका प्रश्न ये था कि दूसरा टीका कब लगवाएं, तो उसमें यही था कि भाई 2 हफ्ते रिकवरी के बाद लगवा लें। लेकिन इसमें ये भी बात सामने आई है कि जिनको संक्रमण हो गया वो शायद एक ही टीका उनके लिए काफी है बूस्टर के तौर पर, क्योंकि उनको जो संक्रमण ने उनको प्रतिरोधक क्षमता दी और फिर उनको बूस्टर बूस्ट कर दिया टीके ने। ये फ्रांस में ये जो पॉलिसी है ये फ्रांस ने अपनाई, इसको शुरू से अपनाया उन्होंने, फ्रांस एक ऐसा देश था, उन्होंने इसको शुरू से अपनाया कि जिनको संक्रमण हो चुका है उनको केवल एक टीका लगाएं। तो वो ज्ञान पे आधारित है वो भी, क्योंकि संक्रमण ने प्रतिरोधक क्षमता दे दी, टीके ने उसको बूस्ट कर दिया, तो इसलिए जिनको हो चुका है संक्रमण दूसरी लहर में उनको टीका लगवाने की अभी जल्दी नहीं है, वो लोग आराम से 3 से 6 महीने के बाद बिल्कुल लगवा सकते हैं, और एक टीका भी लगवा के काम चल जाएगा, और अगर 2 लगाना चाहें तो 2 लगाएं, क्योंकि एक 3 महीने बाद लगाएंगे तो उसके 3 महीने बाद दूसरा लग जाएगा। लेकिन कोवैक्सीन का जो गैप है वो वही 28 से 42 दिन है, वो उतना ही रहेगा जी। एक और सवाल ये है कि हम देख रहे हैं जो भी वैक्सीन लगा रहा है उसके साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्हें तमाम तरह की एलर्जी हो रही है, तमाम तरह के फंगल इन्फेक्शन उनको हो रहे हैं, वाइट और ब्लैक फंगस जिस तरीके से सामने आया, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि उनकी जो पुरानी बीमारियां थी वो इस वैक्सीन के बाद खत्म हो गई, वो लोग स्वस्थ हो गए, पुरानी बीमारियां गायब हो गई। अब इसको किस तरीके से समझा जाए, कैसे लोग थोड़ा सा डरे भी हैं, सहमे भी हैं, अभी भी है ये चीज? नहीं, वैक्सीन देखिए, एक मैंने भी अखबार में खबर पढ़ी थी कि कोई चल नहीं पा रहे थे और वैक्सीन लगी उनको, उसके बाद चलना शुरू कर दिया, तो ये थोड़ा सा अविश्वसनीय सा है ये कि क्या उनको रोग था, किस वजह से नहीं चल पा रहे थे। कई बार रिकवरी अपने आप भी हो जाती है, क्योंकि वैक्सीन लगी तो उन्होंने वैक्सीन को क्रेडिट दे दिया, या किसी को कुछ नुकसान हुआ तो उन्होंने वैक्सीन को डिसक्रेडिट दे दिया, इसको उस तरह से भी लिया जा सकता है। लेकिन वैक्सीन से मैं नहीं समझता किसी को फंगल इन्फेक्शन होगा। ये संक्रमण जो हुआ है उसमें क्या होता है, जब ये जो खासतौर से ये इस बार जो डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट वाले जो वायरसेस थे उसमें क्या हुआ है कि ये प्रतिरोधक क्षमता कम करता है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन प्रतिरोधक क्षमता बनती भी है, लेकिन वो बाद में बनती है, लेकिन शुरू में तो जब आपको बीमारी हो रही है उस समय तो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इम्यूनो सप्रेशन होता है। फिर अगर उसमें दवाइयां भी मिली, स्टेरॉइड मिले लोगों को, किसी को डायबिटीज थी तो, और उसके अलावा रेमडेसिविर, ये सारी एंटीवायरल दवाइयां हैं, ये सब प्रतिरोधक क्षमता कम करती हैं। हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड, उससे डायबिटीज बढ़ जाती है, जिसको नहीं होती उसको भी ब्लड शुगर बढ़ जाता है, और जिसको डायबिटीज है उसका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो फंगल जो है, हमारी जो पैथोजन है, चाहे वो फंगाई हो,
चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, ये अपॉर्चुनिस्टिक मौका परस्त इनको बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स। तो जब भी हमारे शरीर की, क्योंकि तो वातावरण में मौजूद है, आप बैठे हैं आपके चारों तरफ है, वायरस भी है बैक्टीरिया भी है और फंगस भी है, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है किसी भी कारण से, तो वो हम सांस के द्वारा उसको अंदर ले लेते हैं। तो हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो वो उसको बीमारी नहीं करने देगा, उसको जो हमारे शरीर की जो सेल्स हैं जो इससे लड़ते हैं संक्रमण से, प्लाज्मा सेल्स, वो इसको एनगल्फ करके मैक्रोफेजेस और इसको एलिमिनेट कर देंगे। जब भी पैथोजन ज्यादा हावी होगा तो बीमारी हो जाएगी, अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम है और जो पैथोजन की जो डोज अंदर गई है, कितनी डोज गई है उस पर भी निर्भर करता है कि ज्यादा संक्रमण हुआ है तो ज्यादा गंभीर रूप से आप बीमार होंगे, कम गया है तो कम होगा। जैसे खांसी जुकाम भी आप अगर सोचें अपना पास्ट में कभी हुआ है, कभी कभी बहुत तीव्र हो जाता है, कभी कभी बहुत माइल्ड सा होकर निकल जाता है। तो ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। उसके लिए लोगों को लगातार व्यायाम, लगातार प्राणायाम, लगातार योग, अच्छे स्वस्थ भोजन करें, जो अपना आपका सात्विक भोजन है जिसमें ताजे फल सब्जियों का सेवन खूब करें और अच्छी प्रोटीन वाली खुराक लें। तो इस सब से कोई इसके लिए सावधानी बरतना ना भूले डॉक्टर साहब, जो लोग मौजूदा उपयोग कर रहे हैं, आपने पहले कहा सावधानी तो अत्यंत आवश्यक है और उसको तो छोड़ ही नहीं सकते किसी भी तरह से। जी चले सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत से सवालों के जवाब दिए जो लोग जानना चाहते थे, बहुत छोटे उसमें, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़े नहीं है और बहुत रिसर्च वाले नहीं है, बहुत साइंटिफिक नहीं है, लेकिन आम लोगों के मन में इसी तरह की शंकाएं रहती हैं, वो जानना चाहते हैं, इन सवालों के जवाब कोई देता भी नहीं है आमतौर पर, और वो जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तीसरी लहर, लेकिन उस लहर से निपटने के लिए सरकार जो करे करे, सिस्टम जो करे करे, लेकिन आम लोग, हम, आप और सब, वो क्या कर रहे हैं वो सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आज की स्थिति है, तीसरी लहर कहा जरूर जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक और तस्वीर, वो लहर भी आप देख रहे होंगे जो बाजारों में आपको दिख रही होगी, जो लोग घूमने जा रहे हैं, जो रिजॉर्ट में जा रहे हैं, जो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां पर भी आपको भारी भरकम भीड़ देखने को मिल रही होगी। तमाम कोरोना के गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामले सामने आ ही रहे हैं, लेकिन ये सब क्यों जब दूसरी लहर में इतनी सारी परेशानियां झेली, कई हजार लोग काल के गाल में समा गए, उन सब के बावजूद भी ये अनदेखी, इस अनदेखी की गुंजाइश बनती की है, नहीं बनती साहब। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, नमस्कार।